वालेकुम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश में गाय की नस्ल के साथ उनकी कुर्बानी पर भी पाबंदी, वजीर आला योगी का सख्त फरमान। योगी हुकूमत के जरिए जारी करदा गाइडलाइन में कहा गया है कि कुर्बानी का अमल अवामी मकामात पर अंजाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि लोग अपने घरों पर या निशानजद मकामात पर ही जानवरों की कुर्बानी करें। कोरोना बहरान के पेश नजर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने ईद उल अधा से मुतालिक सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। इस मरतबा ईद उल अधा पर न सिर्फ गौ नस्ल के जिबा पर पाबंदी रहेगी, बल्कि त्यौहार से जुड़े किसी भी प्रोग्राम में 50 से जायद लोगों की शिरकत भी ममनू होगी। इस सिलसिले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो कोविड जाब्तों पर सख्ती के साथ अमल कराएं। मीडिया जराये से मौसूला खबरों के मुताबिक योगी हुकूमत के जरिए जारी करदा गाइडलाइन में कहा गया है कि कुर्बानी का अमल अवामी मकामात पर अंजाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि लोग अपने घरों पर या निशानजद मकामात पर ही जानवरों की कुर्बानी करें। इलावा अजीर गौ नस्ल के साथ साथ ऊंट या दीगर ममनू जानवरों की कुर्बानी से भी मना किया गया है। कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत भी लोगों को दी गई है। यूपी हुकूमत की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि कोविड जब्तों पर अमल करते हुए ईद उल अधा का त्यौहार मनाएं।